আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আহলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, मैं आप सब के सब बच्चों का और बड़ों का इस्तकबाल करता हूं हमारे प्रोग्राम। आज हम सब एक ऐसी चीज देखने वाले हैं जो अगर आपने ध्यान से सुना और ध्यान से समझा तो इंशाल्लाह आपका जीने का तरीका बदल जाएगा। क्योंकि जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं एक ऐसी चीज है जो हर लम्हा हर मिनट आपके सोचने और करने के तरीके पर असर डालेगी। लेकिन सबसे पहले आज के एपिसोड की शुरुआत हम एक गेम से करेंगे। Yes. गेम क्या है? थोड़ी सी टफ है लेकिन ट्राई करिए। ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये है एक एक चॉकलेट। 1 2 3 4 और 5। मैं भी हूं ना। हम सबके पास एक एक चॉकलेट है। हाँ। आप स्टूडियो के कैंपस में आए हैं, आप जा सकते हैं कहीं भी, लेकिन एक रूल है कि आप और मैं ये तभी खा सकते हैं जब कोई नहीं देख रहा है। अगर किसी ने आपको खाते हुए देख लिया तो आउट। ओके तो आप चारों यहां बैठ के कैसे खा सकते हैं? तो इसीलिए आपको मैं आजाद कर रहा हूं कि आप लोग जाइए यहां से। हाँ, जितना आप लोग गए हैं स्टूडियो में, लेकिन आपको 5 मिनट्स के अंदर वापस आना है। ओके इंशाल्लाह 5 मिनट्स के अंदर खा सके तो खा सके, नहीं खा सके तो आके दे दो वापस अपनी चॉकलेट, आके अपनी चॉकलेट वापस दे दो। ओके, आर यू रेडी? Yes. Is everyone ready? Yes. और आप लोग सब चले जाओगे तो उसके बाद मैं देखूंगा अगर ये अंकल लोगों का ध्यान नहीं होगा तो मैं भी खा सकता हूँ मेरी चॉकलेट। ओके तो आर यू रेडी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ। जाइए। भागो भागो भागो, किधर भी छुप जाओ। ढूंढने ढूंढने फटाफट खा रहे। मैं तो खाने में लग गया। मैंने खा लिया। तो सब बच्चे आ गए वापस। चलिए अपनी अपनी कहानी बताइए, कहाँ खाए, कैसे खाए आप लोगों ने? क्या हुआ? हाँ बताइए। ऐसा दौर था, अफरा यहाँ पर ऐसा खा रही थी, यहाँ पर चढ़ के मैं यहाँ पर छुप के खा रहा था। ओके तो तुमने खाते हुए देखा उसको? ओके अफरा तुमने इसे खाते हुए देखा? नहीं तुमने किसी को खाते हुए देखा? इसको देखा। युसरा को खाते हुए देखा? और युसरा तुमने किसी को खाते हुए देखा? मैंने रेहान को खाते हुए देखी। रेहान को देखी ना? रेहान खा रहे थे। हाँ वो ना पे वो जहाँ पे नमाज पढ़ रहा था उसके बेड के नीचे से छुपे था और मैं बेड के नीचे, और मैं तो मेरी चॉकलेट यहीं पे है, मुझे क्या करना चाहिए था? आपको टेबल के नीचे छुप के टेबल के नीचे छुप के खा लेना चाहिए था। नहीं तो हम लोग में से कोई नहीं दिखा सकते थे। हाँ तो लोग सब तो थे नहीं, लेकिन आप सबको पता है एक टेस्ट था जिसमें आप सब पास नहीं हुए, और अगर आप में से कोई बता सकता है अगर तो वो जो आंसर सही बताएगा उसको 3 चॉकलेट मिलेगी। जो सही आंसर बताएगा कि आखिर में क्या चीज थी जो जहां पे आप लोग पास नहीं हुए, क्योंकि जो दिख रहा है कि आप भी छुपके खाए छुपके खाए छुपके खाए और तुम्हें किसी ने देखा खाते हुए। लेकिन मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये नहीं, सब लोग मैंने इसको देखा था। देखे थे? ओ तो मतलब क्या है ना, आप सब के सब कहीं पर फेल हुए हैं। आप में से कौन बता सकता है कहाँ फेल हुए हैं? चलो चेक करो, चलो सोचो क्या था मेरा सवाल, कि आपको ऐसी जगह जाके खाना है जहां कोई नहीं देख रहा है।
मैंने बोला ऊपर रहता है, रेहान ने मना कर दिया तो मैं वहां छुप गया। नहीं नहीं, ऊपर जाके खाने बोल रहे थे, लेकिन ऊपर जाके भी खाते, अगर ऊपर थोड़े रूम्स हैं, उसमें से किसी रूम में जाके दरवाजा बंद करके छुप के खाते तो भी कोई है जो तुम्हें देख रहा है। कौन? पल्ला तला। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। और जैसे मैंने कहा कि जो सही जवाब देंगे उनको 3 चॉकलेट्स मिलेंगी। 3 चॉकलेट्स। हाँ, और आप सब को और ध्यान देना है। तो बच्चों, आज की इस गेम का लेसन क्या है, कौन बताएगा लेसन क्या है? लेसन मतलब क्या सीख रहे हैं हम लोग सब इस गेम से, क्या सीख रहे हैं? किससे भी छुप जाए तो अल्लाह तो देख रही है, कोई नहीं देख रहा तो अल्लाह तो देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहे हैं तो अल्लाह देख रहे हैं, और कोई देख रहा है तो अल्लाह तो भी अल्लाह देख रहे हैं, कोई देख रहा, कोई नहीं देख रहा है तो भी अल्लाह देख रहे हैं, कोई देख रहा है तो भी अल्लाह, तो अल्लाह ताला हमेशा देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ला तुद्रिकुहुल अबसार वो हुवा युद्रिकुल अबसार। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह अनाम में सूरह 6 आयत नंबर 103 में फरमाया कि नजरें अल्लाह को इहाता नहीं कर सकती, मतलब अल्लाह ताला को घेर नहीं सकती, देख नहीं सकती, लेकिन अल्लाह की पकड़ हर नजर पर है, अल्लाह की पकड़ हर नजर पर। और अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह हदीद में है सूरह 57 आयत नंबर 4 वह हुआ माकुम अइनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। हाँ, अल्लाह ताला फरमाया सूरह मोमिन में सूरह 40 आयत नंबर 19 यालमु खाइनतल आयुनी, अल्लाह जानता है नजरों की खयानत को, वमा तुख्फी सुदूर, और जो दिल छुपाते हैं वो भी अल्लाह जानता है। हाँ, तो अल्लाह ताला जो देख रहा है, अल बसीर है ना अल्लाह ताला के नामों में से, नाम अल बसीर, मतलब क्या है उसका पता है आपको? अल बसीर का मतलब देखने वाला, हर चीज देखने वाला। अल्लाह ताला कुरान में सूरह इकरा में फरमाया अलम या अलम बि अन्नल्लाह यरा, क्या वो ये नहीं जानता कि अल्लाह उन्हें देख रहा है, अल्लाह ताला उन्हें देख रहा है। तो अल्लाह ताला देखता है, अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल खबीर, अल खबीर का मतलब जिसके पास हर चीज की खबर है, अल अलीम यानी हर चीज का इल्म है, हर चीज का इल्म, हर चीज का इल्म है, हर चीज की खबर है, हर चीज देख रहा है, हर चीज जानता है, कोई चीज उससे नहीं छुपी है। अल्लाह ताला ने फरमाया अला यालमु मन खलक, क्या जिसने तुम्हें बनाया, क्या जिसने बनाया वो नहीं जानेगा, क्या जिसने बनाया वो नहीं जानेगा। वो हुआ लतीफुल खबीर, अल्लाह ताला लतीफ है, लतीफ यानी बारीक से बारीक चीज के बारे में भी अल्लाह ताला के पास इल्म है, और खबीर हर चीज की खबर है। सूरह मुल्क की आयत है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह आल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 5 इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दी वला फिस समा, अल्लाह से कोई छोटी सी छोटी चीज जो आसमान में है जमीन में है वो छुपी हुई नहीं है। नहीं, अल्लाह ताला से कोई भी चीज, छोटी छोटी चीज आसमान और जमीन में छुपी हुई नहीं है। नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप सोचो क्या होता है, सुनो, ये क्लास है बच्चों की, इतने सारे बच्चे हैं और ये है टीचर, टीचर सामने है, सब बच्चे सीधे सीधे बैठे, टीचर क्लास के बाहर जाते हैं और सब के सब बच्चे शोर मचाने लग जाते हैं, शोर मचाने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं, मिसबिहेव करने लगते हैं। फिर जैसे टीचर वापस आए क्लास के अंदर, सबके सब सीधे, सबके सब सीधे, देखा आपने होते हुए? हम लोग भी करते हैं ना ऐसा, टीचर जाते हैं एकदम शोर, टीचर आते चुपचाप बैठ जाते हैं। ओके, तो देखा आप लोगों ने, अब देखो टीचर तो जा रहे हैं आ रहे हैं, अल्लाह ताला अर्श पर है, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, लेकिन हर चीज को देखता है अल्लाह ताला, हर चीज को देख रहा है। देखो बच्चों, आपको पता होगा कि कई बार ऐसा होता है ना कि आपके घर में कोई बड़ा है, हाँ, आपके अब्बा है, आपकी अम्मी है, पता है आपको, अब्बा आते हैं, अम्मी आते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं मालूम है, बिल्कुल बच्चे चुपचाप जाके बैठ जाते हैं, बुक्स निकालते हैं, पढ़ने लगते हैं। मैं तो ऐसा नहीं करता, नहीं करते पढ़ने लगते, लेकिन बहुत से बच्चे हैं ना बिल्कुल कुछ भी मस्ती नहीं करते, नहीं करता, चुपचाप बहुत सीधे बन जाते हैं और जैसे अब्बा गए, जैसे अम्मी का ध्यान नहीं है, तो वैसे ही फिर से मस्ती करने लगते हैं।
देखो, एक होती है अच्छी मस्ती करना जो जायज है, जो अलाउड है, एक होता है किसी को ट्रबल करना, किसी को परेशान करना, एक होता है कोई रूल तोड़ना, कोई चीज तोड़ना। कोई चीज तोड़ना अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात। तो आपकी चीज को आके तोड़ दे, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरी। देखो जो चीज बुरी है वो बुरी है ना। अब यहाँ क्या होता है ना मेरे बच्चों, आपको पता है कि शादी में खाना खाने गए आप लोग कभी? हाँ, बहुत बार। अच्छा, कभी कभार कोई कोई शादी में ना वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। हाँ, देखा है? हाँ, हालांकि हाँ। वो अच्छा नहीं है, सही बात नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, बहुत से लोग है ना, जैसे ही वीडियो कैमरा आता है तो क्या करते हैं, एकदम अच्छा पोज देने लग जाते हैं। अब खाना खाते खाते कोई आपके ऊपर कैमरा आ गया तो तो पकड़ के रखते हैं। तो भी हाँ, कैसा है कि कैमरा के लिए इतना ध्यान देते हैं, अल्लाह ताला तो हमेशा देख रहे हैं, टीचर तो आ रही है जा रही है, अब्बा आ रहे हैं जा रहे हैं, अम्मी आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो हमेशा देख रहे हैं। तो अगर आप ये चीज का ध्यान देंगे ना आपको बच्चों, तो आपका सोचने का, जिंदगी जीने का तरीका ही बदल जाएगा। पता है आपको फिर क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि कोई जगह है जहां आप किसी को ट्रबल कर सकते हैं। हाँ। कोई बच्चा है जिसकी साइकिल लेके आप उसकी हवा निकाल सकते हैं, तो जो सही गलत है, गलत गलत। अब देखिए, एक हम लोगों ने देखा था हमारे अखलाक के एपिसोड में, अदीनुन नसीहा, दीन खैर खाई का नसीहा, ये है अंदर से। लेकिन एक होता है बाहर से, कि आपको एहसास हो कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, आपको एहसास हो कि अल्लाह ताला देख रहे हैं। बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें बनाया, किसने बनाया? अल्लाह ताला। क्या जिसने बनाया उसे नहीं मालूम होगा? मालूम होगा। क्या जिसने इस आसमान और जमीन को बनाया उसके पास खबर नहीं है? है। अच्छा, आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरा देखा? हाँ, बहुत। हम लोग स्कूल में। अच्छा बताओ, अभी सीसीटीवी कैमरा, ये कैमरा है, अब जो चीज कैमरे में नहीं है वो चीज कैमरे में दिख रही है? नहीं। कैमरा हर चीज टेबल के नीचे भी देख रहा है? नहीं। आपकी बैग के अंदर भी देख रहा है? नहीं। हाँ? नहीं। आपके दिल के अंदर कैमरा देख रहा है? नहीं। कैमरा क्या है? लिमिटेड है। अल्लाह ताला कितना देखता है पता है आपको? आपने आयत अभी थोड़ी देर पहले सुने ना, आयत पर गौर करो, वो हुआ युद्रिकुल अबसार, अल्लाह की पकड़ हर नजर पर है। हर नजर पे मतलब मालूम है आपको? ये जो आप अपनी नजर से देख रहे हो ना, अल्लाह ताला वो भी देख रहा है। आप अपनी नजर से जो देख रहे हो अल्लाह ताला वो भी देख रहा है, समझ रहे हैं आप? अल्लाह ताला जो देख रहा है आपके बाहर भी देख रहा है, आपके अंदर भी देख रहा है, आपके दिल के अंदर क्या है ना वो भी देख रहा है, आपके ख्याल में क्या ख्याल आ रहा है वो भी इल्म अल्लाह के पास। अच्छा बताइए, अल्लाह ताला जमीन के ऊपर देखते हैं कि जमीन के अंदर में जो होते हैं ना कीड़े होते हैं, जमीन के अंदर भी दुनिया है मालूम है आपको? हाँ। जमीन के नीचे भी कोई दुनिया होती है, कीड़ों की दुनिया है। हाँ। वहां पे बहुत सारे जर्म्स बैक्टीरिया वो लोग ग्रो होते हैं, तो वहां पे अल्लाह ताला देखते हैं? हाँ। जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे भी? आर यू श्योर? यस। और आसमान के ऊपर? हाँ। उसके ऊपर? हाँ। तो कहां पे अल्लाह ताला नहीं देख रहे? स्पेस में। स्पेस में देख रहे हैं अल्लाह ताला? नहीं देख रहे? नहीं देख रहे। स्पेस, स्पेस जहाँ कोई नहीं, वहां अल्लाह ताला देख रहे हैं? देख रहे हैं। नहीं देख रहे? देख रहे हैं। नहीं देख रहे? देख रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब, स्पेस में भी अल्लाह ताला देख रहे हैं। अच्छा, कोई रेगिस्तान है जिसमें कोई नहीं लेकिन अल्लाह ताला वहां देख रहे हैं? देख रहे हैं। हर जर्रा जर्रा जो हिल रहा है, उड़ रहा है, हवा का एक एक झोंका, एक एक बादल, एक एक चीज, एक एक बारिश की बूंद, अल्लाह ताला हर चीज देख रहे हैं। अच्छा, हम लोगों का इल्म कितना है ना, थोड़ा सा है, हम लोग कितना देखते हैं मालूम है? आपको कितना दिख रहा है? कोशिश करो देखने की, कोशिश करो, ये दीवार के आगे क्या दिख रहा है? नहीं। हाँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो बंद है। क्योंकि बंद है दीवार, है ना? लेकिन दीवार के आगे क्या अल्लाह ताला दिखते हैं? हाँ। हाँ। अच्छा सोचो, अगर हमारे साथ ऐसा होता कि हम लोगों को भी सब कुछ आवाज सुनाई देती, दुनिया भर की आवाज, तो कितना सर दर्द होता है? हेडेक हो जाता। हाँ, दूर दूर से आवाज आए, चिल्लाने की आवाज, मशीन की आवाज, जानवर की आवाज, जिनों की आवाज, मशीन्स की आवाज, हाँ, हर आवाज सुनाई दे, इंसानों की आवाज, हाँ, सब आवाज सुनाई दे, तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा।
बुरा लगेगा। हाँ? तो अच्छा है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं सुनाई देता है? अच्छा है। अच्छा है, नहीं सुनाई देता है? हाँ। अच्छा है। हाँ। और अच्छा है कि हम लोगों को सब चीज नहीं दिखाई देती, हम लोगों को इतना ही दिखाई देता है क्योंकि हमारी थोड़ी सी दुनिया है। हमें क्या करना है मालूम है आपको? आसमान और जमीन को चलाना है? नहीं। आप लोगों को क्या करना है मालूम है? हम सबको एक अच्छी सी जिंदगी गुजारना है, अल्लाह ताला के पास वापस जाना है, एक अच्छी सी जिंदगी जीना है इंशाल्लाह। और फिर किसके पास वापस जाएंगे? जहां से आप आए हैं वहीं पे वापस जाएंगे। तो बच्चों आपको इस बात का ख्याल रखना है इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला देख रहे हैं। अच्छा आप अकेले हो तभी भी देख रहे हैं? हाँ, हाँ। जैसे क्या होता है अकेले में शैतान बोलता है अभी तो कोई नहीं देख रहा है तुम्हें। शैतान क्या बोलेगा आपको मालूम है? अकेले कोई नहीं देख रहा है तुम्हें, अब कुछ बुरा काम करते। शैतान क्या कहेगा? कोई नहीं देख रहा, घर में अम्मी भी नहीं देख रहे, अब्बा भी नहीं देख रहे। अभी क्या करते मालूम है बच्चे? बच्चे उनको ऐसा लगता है ना कोई नहीं दिख रहे तो क्या करते हैं मालूम है? अम्मी अब्बा मना करते हैं ये मत करना, मालूम है आपको? हाँ। दुनिया में बहुत सारी गलत चीजें हैं। और इंसान कैसा होता है मालूम है बेटा? कमजोर होता है। हाँ। कहीं पर गए ना तो फिसल जाता है, तो बेहतर है कि गलत चीज से ना रास्ते से रुक जाओ। इस्लाम ने क्या सिखाया? गलत चीज मत करो, गलत चीज की तरफ जो रास्ता जाता है ना वो रास्ते पे भी मत जाओ, वो रास्ते पे भी मत जाओ। अब आपके अम्मी अब्बा बोलते हैं ये नहीं करना बेटा, टीवी है, टैबलेट है, मोबाइल है, उसके अंदर कोई चीज हो जो अम्मी अब्बा बोलते हैं ये नहीं करना है आपको, अब कोई नहीं देख रहा है तभी कर सकते हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं देख रहा है तभी कर सकते हैं? कोई नहीं देख रहा है तभी हम लोग कर सकते हैं कुछ भी जो अम्मी अब्बा मना कर रहे हैं। अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह ताला देख रहे हैं। देखो बच्चों मुझे अभी आप लोग बताओ ये, क्योंकि एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मालूम है? क्या? आप अगर ना एक छोटे से छोटे बच्चे को थोड़ी बहुत नॉलेज है ना उसको पूछेंगे ना कि अल्लाह ताला सब जगह देखते हैं नहीं देखते हैं, तो जवाब देगा क्या मालूम है? हाँ अल्लाह ताला सब जगह देखते हैं, ऐसे जवाब देते हैं। लेकिन जिंदगी में ये बात भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? बात। क्या बात भूल जाते हैं? कि अल्लाह ताला देख रहे हैं। ये बात कैसे याद रहे? समझे आप मेरा सवाल? समझे आप मेरा सवाल क्या है? हमारी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ की बात कर रहा हूं, सुन रहे हैं आप बच्चे? आप सब बच्चे भी सोचिए कि आपकी बच्चों की लाइफ में जो बच्चे अक्सर ये बात भूल जाते हैं ना कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, 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 फरिश्ते क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं। और वो सब रिकॉर्ड कहाँ मिलने वाला है हमें? कयामत के दिन। कयामत के दिन जन्नत जाना शोर थोड़ी है? जन्नत जाने की टिकट है आपके पास? नहीं। जन्नत जाने की गारंटी है? नहीं। कयामत के दिन क्या होगा? हिसाब होगा। हिसाब में क्या होगा? देखा जाएगा। देखा जाएगा। सब चीज आने वाली है सामने। अल्लाह ताला के नामों में से नाम है अशहीद, मतलब हर चीज पे गवाह है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला गवाह है, हर चीज को देख रहे हैं अल्लाह ताला। हाँ बेटा मेरा सवाल ये है कि सब अक्सर बच्चे ना ये बात भूल जाते हैं, तो क्या करें ताकि आपको याद रहे? आपको याद रखना है नहीं याद रखना है? ये बात याद रखना है कि भूलना है? क्या बात याद रखना है? कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, हर वक्त देख रहे हैं, हमेशा देख रहे हैं, हर चीज हमेशा हमेशा अल्लाह के पास रिकॉर्ड में है। देखो पता है आपको रिकॉर्डिंग होती है मालूम है आपको? अब हम लोग जो बात कर रहे हैं ये बात बाद में प्रोग्राम में आएगी इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ कोई मुश्किल काम है ये? नहीं मुश्किल काम है। बेटा सुनो, जैसे ये चीज जो रिकॉर्ड हो रही है ना आसमान और जमीन में जो कुछ हो रहा है ना सब चीज अल्लाह के रिकॉर्ड में है। कयामत के दिन जब हम लोग जाएंगे ना तो हर चीज सामने आने वाली है। सुन रहे हैं आप? हर चीज क्या आने वाली है? सामने आने वाली है। आपको पसंद है वो चीजें सामने आएगी, जो नहीं पसंद है वो भी सामने आएगी। जो नहीं पसंद है वो भी आएगी, जो पसंद है वो भी आएगी। कयामत के दिन क्या चीजें आने वाली है? सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें सामने आएगी या बुरी चीजें भी आने वाली? दोनों चीजें। अब ये जो सामने आने वाली है तो आप लोग बताओ मुझे क्या करें ताकि जिंदगी भर ये याद रहे? आप सब बच्चे बताओ। चलो बेटा देखो अब्दुल समी, प्रॉब्लम समझ रहे हैं आप? ये है अब्दुल समी, यहां पे बैठा है, एक लेक्चर सुन रहा है।
इस्लामिक क्लास सुन रहा है, कुरान की आयत सुन रहा है, हदीस सुन रहा है। अभी आपको याद है कि नहीं याद है अल्लाह देख रहे हैं? हाँ। आपको याद है? रेहान को याद है? युसरा को याद है? अफरा को याद है? याद है ना? अभी अब यहां से आप बाहर निकलोगे, ट्रैवलिंग करोगे, घर पहुंच जाओगे, सुबह में स्कूल जाओगे, दोस्तों के साथ खेलोगे, उसके बाद जो भी करोगे आप, आपको ये दिन भर याद रखना है कि अभी याद रखना है खाली दिन भर पूरी जिंदगी। अभी तो जवाब दे रहे हो ना आप मेरे सवाल का, तो अभी तो याद रखना ही है। हाँ। लेकिन दिन भर याद रखना है कि नहीं याद रखना है? पूरी जिंदगी भर याद रखना है। तो कैसे याद रहेगा आपको, कैसे याद रहेगा? भूल जाते हैं बच्चे, बार बार पढ़ते रहने का। ओके, यानी कुरान पढ़ेंगे आप तो कुरान में सब बातें आएगी, तो ये सब बातें भी बार बार आएगी तो आपको याद रहेगा इंशाल्लाह। तो कुरान पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा एक चीज, है ना इंशाल्लाह। और क्या करेंगे, और क्या करेंगे बताओ, कैसे याद रखेंगे? भूलना है कि याद रखना है? याद रखना। भूलना है कि याद रखना है? याद रखने का। तो कैसे याद रखेंगे आपको मैं बात बताऊं? क्या करेंगे? बार बार आपकी वीडियोस देख के। बार बार देखेंगे इंशाल्लाह, कल अज़म इस्लाम के एपिसोड बार बार देखिए इंशाल्लाह। हाँ। रिवाइज करते रहेंगे इंशाल्लाह। यस। और क्या करेंगे बताइए? देखो एक चीज है दोस्त, अच्छे दोस्त से आपको अच्छी चीज याद आएगी, और बुरे दोस्त होंगे ना तो आपको भुलाएंगे। शैतान क्या चाहता है मालूम है आपको? भुलाना चाहता है कि याद दिलाना चाहता है? भुला करके क्या कराना चाहता है? देखो आप याद रखो, शैतान के सब प्लान फेल होंगे अगर आपको ये बात याद रहेगी कि अल्लाह ताला देख रहा है। आपको सिर्फ इतना याद रहे कि अल्लाह ताला देख रहे हैं। चॉकलेट देखिए अभी मैं भेजूंगा अगर आपको, और बोलूंगा कि जहां कोई नहीं दिख रहा है वहां जाके खाओ ये चॉकलेट। हाँ हो चुका है। अगर मैं बोलूंगा तो अभी क्या करोगे आप बोलो? जहां कोई नहीं देख रहा है वहां जाके खाना। अल्लाह कोई नहीं देख रहा है वहां जाके खाना। अभी खा सकेंगे या नहीं खा सकेंगे? खा सकेंगे। कैसे? जहाँ कोई नहीं देख रहा है, बस देखना हर जगह देख रही। नहीं जा कहा, टेबल के नीचे देख रहा है अल्लाह ताला? हाँ। टेबल के नीचे? हाँ। चादर के अंदर छुप के खाएंगे तो? तो भी देख। हाँ? तो भी देख। अंधेरे के अंदर फुल डार्क करके देखेंगे खाएंगे तो? जब एकदम डार्क अंधेरा रहेगा और चीटी चलते रहेंगे ना तो भी अल्लाह ताला देख सकते हैं। वेरी गुड। तो अभी आप खा सकते हैं नहीं खा सकते? नहीं बिल्कुल भी। तो वापस दो चॉकलेट ले लो। अभी खाएंगे? अभी वापस आएगी चॉकलेट के नहीं आएगी कि मुंह में डाल के वापस आएंगे आप? खा सकते नहीं खा सकते? नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? अगर मैं कह रहा हूँ कि जहाँ कोई नहीं दिख रहा है वहाँ खाओ तो नहीं खा सकते। खा सकते नहीं खा सकते? कभी भी नहीं। हाँ इधर खा सकते। नीचे अल्लाह ताला देख रहे हैं, टेबल के नीचे देख रहे हैं वहाँ पे कि नहीं दिख रहे हैं? Yes, अभी आप लोगों ने सही जवाब दिया। वैसे आप सबके लिए एक एक चॉकलेट है, इनको तीन चॉकलेट्स मिली है। तो बच्चों आप लोग भूलेंगे नहीं भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। नहीं भूलने के लिए नंबर वन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग याद रखना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग याद रखेंगे नहीं रखेंगे? फायदा किसका है? रिपोर्ट कार्ड आएगा कयामत के दिन, रिजल्ट रिजल्ट। उसमें आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट चाहिए, बुरे रिजल्ट चाहिए? देखो क्या होता है मालूम है, कई सारे लोग हैं जो छुप के गलत काम करते हैं। पुलिस नहीं दिख रही, पुलिस नहीं दिख रही, अल्लाह देख रही। हाँ और गलत काम करते हैं। गवर्नमेंट नहीं दिख रही, गलत काम करते हैं। सुन रहे हैं आप? और फिर जाके कयामत के दिन वो लोगों को मालूम पड़ेगा कि सब के सब तो अल्लाह ताला के पास देख रहे थे। अल्लाह ताला हर चीज देख रहे थे। कयामत के दिन जाकर जब उनको मालूम पड़ेगा अरे मैंने ये किया ये किया ये किया, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, फरिश्ते सब चीज एंट्री कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। सुन रहे बच्चों? हाँ। तो वो शख्स को खुशी होगी उस दिन के मायूसी होगी, सैड हो जाएगा? हाँ सैड हो जाएगा कि नहीं होगा कि मैंने क्या कर दिया, मैं तो कर रहा था, सोच रहा था पुलिस नहीं दिख रही है लेकिन ये तो सब चीज यहाँ लिखी हुई है। तो आप लोगों को एक तो नंबर वन चीज अच्छे से समझना पड़ेगा इंशाल्लाह, नंबर दो क्या करना होगा उसे याद रखना होगा, नंबर तीन क्या करना होगा रिविजन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ खुद याद रखने का, ये बात दूसरों को बताओ, दूसरों को बताओ। क्या बताओगे इंशाल्लाह? कि अल्लाह ताला हर जगह पर देख रहे हैं।
वहुआ माकुम अइनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, मतलब अपने इल्म से, देखने से, सुनने से, जानने से अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है लेकिन हर चीज देखता है, हर चीज अल्लाह के इल्म में, और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरे बच्चों, ये आज का एक इंपॉर्टेंट लेसन था हमारे तज़किया सेक्शन के अंदर। कलर्स ऑफ इस्लाम प्रोग्राम में हमारा एक मकसद है, हम चाहते हैं कि हमारे सब के सब बच्चे कयामत के दिन कामयाब हो जाएं, इंशाल्लाह कयामत के दिन सक्सेसफुल हो जाए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको असल कामयाबी, जो कयामत के दिन की कामयाबी भी दे और दुनिया की कामयाबी भी दे, दुनिया का खैर भी दे और आखिरत का खैर भी दे। और इसी दुआ के साथ हम आज के प्रोग्राम को खत्म करते हैं। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।